नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि पैतृक संपत्ति में बच्चों को हिस्सा देना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं होता। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि सर हमें भी थोड़ा बहुत कानून मालूम है, हमने भी अगर कहीं पर यह पढ़ा है तो यही चीज जानी है कि पैतृक संपत्ति में बच्चों का जन्म लेते ही अधिकार आ जाता है और उस पैतृक संपत्ति के अंदर उनका यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की रेलिवेंट वीडियो में मैं आपका यही भ्रम तोड़ने वाला हूं, और अगर मेरी बोली बात झूठी निकलती है, मैं वीडियो में कुछ और बातें बोलता हूं, तो मैं आपको साफ बोलता हूं, आप वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से मेरी वीडियो कभी मत देखिएगा। किंतु अगर मेरी बोली बात जेन्युइन मिली तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और साथ ही साथ अपना मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने समय से चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आने वाले टॉपिक किस वीडियोस पर आप चाहते हैं, ये सारी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग किसी केस से रिलेटेड परेशानियां उठा रहे हैं, या फिर अगर आप पर्सनली हमारे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, एंसेस्ट्रल और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वह संपत्ति होती है जिसके अंदर बहुत सारे कोशेयरर होते हैं, जिसके अंदर कोपासनर यानी कि हम वारिस का जन्म लेते ही अधिकार आ जाता है। अब सबसे पहले लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि सर पैतृक संपत्ति कौन सी होती है, वह संपत्ति जो 4 पीढ़ियों पुरानी हो, यानी कि आपके परदादा ने खरीदी हो और आज आपके बच्चे उस पर क्लेम कर रहे हो, या फिर वो संपत्ति जो आपको अपने पिता, दादा या परदादा से मिली है। अब ये कंसेप्ट सबसे आपको मैं क्लियर कर दूं पहले, ताकि इस कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद ही समझ पाया कि पैतृक संपत्ति में बच्चों को हिस्सा देना कब मैंडेटरी नहीं होता। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आप जजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी ध्यान से यहां से अब आपको वीडियो देखनी होगी दोस्तों। अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्णा प्रसाद, और मैं आपको क्लियर कर दूं साल 2018 की जजमेंट है 7 SCC 646। अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हैं तो मैं ये जजमेंट ऑलरेडी चैनल पर क्लियर कर चुका हूं, आप लोग जानते होंगे। देखिएगा, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इट इज सेटल्ड डेट, यानी कि ये चीज क्लियर है, द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ मेल हिंदू, कि अगर एक मेल हिंदू है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इनहेरिटेंस के तौर पर ले रहा है। कहां से ले रहा है? फ्रॉम हिज फादर यानी कि अपने पिता से, फादर्स फादर यानी कि अपने दादा से, या फादर्स फादर्स फादर अपने परदादा से, तो वो उसकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी, इज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और मिताक्षर लॉ के अंदर क्या होता है? सन बेटा, ग्रैंडसन पोता, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रहा है वो बाय बर्थ से ही, जन्म लेते ही उसके अंदर अपना अधिकार ले लेता है। यानी कि यहां से आपको क्लियर हुआ कि पैतृक संपत्ति में जैसे ही किसी का जन्म होता है वैसे ही उसका वहां पर अधिकार आ जाता है दोस्तों। और दादा, परदादा या पिता, इनके थ्रू इनहेरिटेंस के तौर पर मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाई जाती है, जिसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी कंसीडर किया जाता है। यानी कि मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी आपके पिता के नाम पर है, दादा के नाम पर है, उसको किसी ने बंटवारा नहीं किया, आज भी जॉइंटली तरीके से सभी आपके चाचा ताऊ, पिताजी, आप सभी भाई बहन एक साथ उस संपत्ति को यूज कर रहे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाती है दोस्तों। अब मैं आपके साथ 3 ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन डिस्कस करता हूं, जहां पर अगर उस पूरे की पूरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो जिस जिसका उस संपत्ति में हिस्सा था वो फ्यूचर में कोर्ट में क्लेम तक नहीं कर सकता कि मेरा हिस्सा भी यहां पर बेच दिया गया। और रेलिवेंट जजमेंट के साथ ये चीज क्लियर करूंगा, तो बड़ी ध्यान से वीडियो आपको देखनी है, कहीं ये ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान आप यहां पर उठा ले दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहां से धर्मशास्त्र की बात करें तो 3 कंडीशन ऐसी बताई गई है जहां पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है,
जो पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करता है उस संपत्ति को बेच सकता है। कौन कौन सी? आपातकाले, जिसको लीगल नेसेसिटी कहा जाता है। दूसरा आता है कुटुंबर्थे, जिसे बेनिफिट ऑफ द एस्टेट कहा जाता है। तीसरा आता है धर्मार्थ, जिसको यहां पर पायस पर्पस कहा जाता है, यानी कि इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज के चलते। ये तीनों कंडीशन वहां है जहां पर एक आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मतलब बिना हिस्सा दिया बेच दिया गया तो भी आप अपने हिस्सा पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अब एक एक करके ये तीनों पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल नेसेसिटी। अब लीगल नेसेसिटी क्या होता है, ये पॉइंट आपको बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान से समझना होगा। देखिए दोस्तों, लीगल नेसेसिटी शब्द ही समझ में आ रहा है, लीगल जो लीगली समझा जाए, नेसेसिटी नेसेसरी रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई ऐसी एकदम इमरजेंसी आ गई, कोई नेसेसरी आ गई कि आपको उस संपत्ति को बेचना पड़ गया। किसको? जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको, उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचना पड़ गया, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी इमरजेंसी होती है? देखिए मान लेते हैं परिवार में किसी की बेहद ज्यादा तबियत खराब है, उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, तो जिसका भी उसमें शेयर बनता था वो उठकर ये नहीं कह सकता कि हमारे हेड ऑफ द फैमिली ने हमें बिना हिस्सा दिए संपत्ति को आगे बेच दिया गया। इसके अलावा परिवार पर कोई कर्जा हो गया है जो लीगल तरीके से, ये नहीं जुआ वगैरह खेलकर कर्जा हुआ हो, लीगल तरीके से किसी का इलाज कराने के लिए किसी और कारण से शादी विवाह के चलते, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसके अलावा मान लेते हैं कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है, उसका वहां पर आपको कोर्ट फीस देनी है, एडवोकेट की फीस देनी है, तो ये भी एक लीगल नेसेसिटी में काउंट होता है। इस कंडीशन में उसको लीगली वैलिड माना जाएगा और आप उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं। जहां पर उठकर अगर आपके बच्चे कोई है, भाई कोई है, ये नहीं कह सकते कि हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को इन्होंने बिना हमसे पूछे बेच दिया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कहां लिखा है, इससे रिलेटेड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियर करूंगा, ध्यान रखें। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर ये पॉइंट आपकी सिचुएशन में आ रहे हैं तभी यह समझा जाएगा कि हाँ लीगल नेसेसिटी जैसी कोई कंडीशन थी, इसी वजह से उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा गया। डिस्प्ले पर देखकर यह पॉइंट समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट समझना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आपको चार कंडीशन दिखाई देंगे। पहली कंडीशन कहती है कि कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि वहां पर बहुत महत्वपूर्ण नीड हो या पर्पस हो उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आपको साबित करनी पड़ेगी कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन आ गई थी कि हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेचना पड़ गया। सेकंड कंडीशन, जो वो रिक्वायरमेंट है वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। लॉफुल मतलब किसी का इलाज कराने के लिए, कोर्ट फीस देने के लिए, ये नहीं जुआ वगैरह खेलकर कर्जा किया हो या उसको खेलने के लिए जुए को प्रॉपर्टी बेची जा रही है। देखिए साफ लिखा है इमोरल और इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या लिखी है कि जो आपकी फैमिली है उसके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसके पास तो और दूसरे साधन भी थे प्रॉपर्टी के, फिर भी जानबूझकर वो प्रॉपर्टी बेची गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लीगल नेसेसिटी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव आपके पास सोर्स थे, आपने जानबूझकर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा है। फोर्थ आता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, जब उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो एक प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट पर्सन कौन होता है, जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, और ऐसी कंडीशन में अगर कर्ता की जगह वो दूसरा इंसान भी हो जो बिल्कुल स्वस्थ हो, वो सेम फैसला ले। कौन सा फैसला? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है वहां पर तो ये माना जाएगा कि हाँ उस तरह की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यहां पर लीगल नेसेसिटी के चलते ही बेची गई है। ये चार कंडीशन लीगल नेसेसिटी में दिखानी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस लीगल नेसेसिटी वर्ड से जुड़ी एक जजमेंट भी शेयर कर लूं, जहां पर यही कुछ कंडीशन हुई थी कि इलीगल तरीके से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेची गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल नेसेसिटी नहीं माना। डिस्प्ले पर देखिएगा जजमेंट का नाम है दोस्तों देव किशन वर्सेज राम किशन। यहां पर क्या किया, कर्ता ने उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को मोर्टेज कर दिया। अब यहां पर उसने दो हाउसेस को बेचा जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थे, जिनकी जो अर्थ थी उनकी जो वैल्यू थी करीबन 8,000 से 9,000 रुपए थी, किंतु उसको केवल 400 से 900 रुपए के बीच में बेचा गया। तो उसका कहना था, हेड ऑफ द फैमिली का कहना था कि उसको शादी करनी थी अपने 3 माइनर बच्चों की, इस वजह से उस संपत्ति को बेचा गया। अब देखिए यहां पर माइनर बच्चे लिखे हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, कानून में इसको इलीगल माना गया 18 वर्ष से कम बच्चे की शादी करना, तो इसको लीगल पर्पस नहीं माना जाएगा, लीगल नेसेसिटी नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 से 9,000 है, 400 से 900 रुपए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा उनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी थे, तो यही माना गया कि प्रेजेंट केस लीगल नेसेसिटी में नहीं आएगा और हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली ने इसको धोखे से बेचा है। तो वो चार कंडीशन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की यहां पर फुलफिल होना अनिवार्य है। अब दोस्तों लीगल नेसेसिटी के बाद जो सेकंड वर्ड आता है वो होता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। अब जो बेनिफिट ऑफ द एस्टेट है ये डिफेंसिव नेचर की तरह यूज किया जाता है। मान लेते हैं आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो बहुत जर्जर हालत में है,
वो कभी भी गिर सकती है। अब आपको उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, रेनोवेट कराने के लिए दूसरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, तो ये एक डिफेंसिव नेचर है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर। तो इस तरीके से अगर आप किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो यही माना जाएगा कि ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के अंदर काउंट होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं आप लोगों की एक जमीन है खेती की, बहुत बड़ी जमीन है 100 बीघा, पर उस पर खेती नहीं होती, वो उपजाऊ नहीं है। अब आपके हेड ऑफ द फैमिली ने क्या किया, उस 100 बीघा जमीन को बेचकर कहीं दूसरी जगह 40 बीघा जमीन ले ली, पर वो 40 बीघा जमीन उपजाऊ है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते, सर 100 बीघा के हिसाब से तो 20-20 बीघा हमारे हिस्से में आता था और यहां तो मात्र हमें 10-12 बीघा मिल रहा है, हम ये चीज नहीं मानेंगे, हमारी प्रॉपर्टी धोखे से बेची गई है। जी नहीं दोस्तों, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के चलते जो हेड ऑफ द फैमिली है उसने ये फैसला लिया है ताकि वो प्रॉपर्टी जो है उपजाऊ प्रॉपर्टी बन जाए। दोस्तों अब इस बेनिफिट ऑफ द एस्टेट से जुड़ी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान देना अनिवार्य है। डिस्प्ले पर देखकर आप इन कंडीशन को भी जरूर समझिए। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों डिस्प्ले पर 5 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। पहला पॉइंट इसको कहता है कि जो एलिनेशन है, बेनिफिट ऑफ द स्टेट के चलते प्रॉपर्टी दी जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, वो हमेशा डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव पर्पस की है, यानी कि डिफेंस मजबूरनवश प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को ही ऐसा किया गया। सेकंड चीज कि अगर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, तो जो उस दूसरी प्रॉपर्टी के लिए बेचा गया है बेनिफिट के लिए, उस दूसरी प्रॉपर्टी को या तो कोई एडवांटेज होना चाहिए या उसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और जो करता है यानी कि हेड ऑफ द फैमिली है, वो प्रूडेंट सोच समझदारी के साथ ही उस फैमिली एस्टेट के चलते ऐसा कर रहा हो। जो मैंने आपको बताया था कि उस कर्ता की जगह, हेड ऑफ द फैमिली की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो भी यही फैसला लेता। फोर्थ पॉइंट इसका यही कहता है कि जो डिग्री ऑफ प्रूडेंस है, समझदारी है, वो यहां पर ज्यादा हायर लेवल की एक्सेप्टेड की जाएगी इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। और लास्ट पॉइंट कहता है कि जो प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा आया है वो किस कंडीशन में यूज हुआ है, किस बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज हुआ है, ये चीज भी यहां पर दिखानी अनिवार्य है। ये 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं आपकी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स रहते हैं। अब आप लोगों ने उसको रेनोवेट कराना है और इसके चलते दूसरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट में आएगा। और जो दूसरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेची गई है उसमें कोई भी उठकर ये नहीं कह सकता कि हमारा शेयर भी यहां पर बेचा गया है। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन आती है, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी, जिसे धर्मार्थ कहते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी रिलीजियस सेरेमनी को, किसी की डेथ हो गई उसके फर्नल एक्सपेंस को करने के लिए, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है वो करने के लिए, कोई श्राद्ध कराने के लिए, इस प्रकार की कोई रिलीजियस सेरेमनी करने के लिए अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो वो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज के अंदर काउंट होगा। जैसे कि मैंने बहुत सी कंडीशन में देखा है जो हेड ऑफ द फैमिली है वो शादी करने के लिए प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो उसके अंदर कोई दूसरा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मेंबर ये नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा बेच दिया। क्यों नहीं कह सकता? हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली के पास ये पावर है कि वो यहां पर इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जो शादी विवाह है उसके चलते उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके अलावा दोस्तों पायस पर्पस भी इसका एक पार्ट है। पायस पर्पस मतलब रिलीजियस पर्पस, मंदिर मस्जिद में डोनेशन देना, किसी रिलीजियस चैरिटी के अंदर डोनेशन देना, उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जा सकती है हेड ऑफ द फैमिली की तरफ से। पर मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं, आपकी 100 बीघा जमीन है, पूरी की पूरी जमीन कभी भी चैरिटी में, मंदिर मस्जिद में डोनेट नहीं होगी, एक स्मॉल पोर्शन दिया जा सकता है, 3 बीघा 5 बीघा 10 बीघा ये चल जाएगा। अगर आप 20-30-50-60 बड़ा एरिया दे रहे हैं डोनेशन में और उसको पायस पर्पस कह रहे हैं तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दोस्तों हेड ऑफ द फैमिली के पास ये अथॉरिटी नहीं है। अगर रिलीजियस पर्पस में देना है तो छोटा पोर्शन दिया जा सकता है, रिलीजियस मंदिर मस्जिद में डोनेशन देना, चैरिटी में जमीन को डोनेशन देना, पर जब शादी विवाह की बात आएगी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है कर्ता ऑफ द फैमिली की तरफ से। अब ये तीनों चीजें मैंने आपको एक एक करके क्लियर कर दी। अब मैं इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियर कर दूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था जैसे कि लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, अगर इन कंडीशन के चलते जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा गया है तो सभी फैमिली मेंबर्स जिनका उसमें शेयर बनता था इसके अंदर बाउंड माने जाएंगे कि हाँ उनकी परमिशन से बेचा गया है और वो इस फैसले के अगेंस्ट में जाकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सबसे पहले केस टाइटल आपको मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का नाम है बी रेड्डी दशमी रेड्डी वर्सेस वी मंजुनाथ। इसका साइटेशन नंबर है 2021 SC 732, केस सीए नंबर है इसका 7037/2021 और डेट ऑफ जजमेंट है 13 दिसंबर 2021। अब डिस्प्ले पर दिखाकर मात्र 1 मिनट और लगेगा, आपको क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लियर किया था। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कर्ता हैज एलिनेट अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी,
चाहे वो लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए किया गया, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है अगर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बाहर ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है, चाहे बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए या लीगल नेसेसिटी के लिए, तो ये सभी मेंबर्स जो उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर आते थे उनके इंटरेस्ट को बाइंड करता है, उनको भी बाउंड करेगा कि इस फैसले की उनको सहमति देनी पड़ेगी, चाहे वो माइनर हो यानी कि 18 साल से कम हो या विडो हो यानी कि विधवा हो, उसको इस फैसले को मानना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हमसे परमिशन नहीं ली गई इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने की और इसको हमारे शेयर दिए बिना ही बाहर बेच दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई एक एक जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।